खबर इंदौर से है, जहां की एक महिला नर्सिंग ऑफिसर सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गई। नर्सिंग ऑफिसर को पहले व्हाट्सएप पर लोन रिकवरी के लिए धमकी भरे मैसेज आए, जबकि उन्होंने कोई लोन ही नहीं लिया। जब डिमांड पूरी नहीं की गई तो आरोपी ने नर्सिंग ऑफिसर को एडिटेड न्यूड फोटो वीडियो रिश्तेदारों को भेज दिए, जिसके बाद उन्हें लगातार फोन आने लगे। जब पीड़िता साइबर पुलिस के पास पहुंची तो शिकायत दर्ज नहीं की गई, आवेदन देकर लौटा दिया गया, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने बताया कि पहला मैसेज 7 जुलाई को आया, जिसमें किसी हुगो लोन ऐप का जिक्र था। मैंने किसी कंपनी से लोन नहीं लिया तो मैसेज इग्नोर कर दिया, जिसके बाद कैशी ऐप तो कभी होली ऐप से मैसेज आने लगे। मैंने इन ऐप्स को कभी डाउनलोड ही नहीं किया। अगले दिन अनजान नंबर से कॉल आया, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई। बाद में व्हाट्सएप चेक किया तो उसी चाइनीज ऐप से धमकी भरा मैसेज लिखा था। इस बार लिखा था 3,000 रुपये चुकाओ, नहीं दिए तो आधार कार्ड से मुंडी निकाल कर न्यूड फोटो में लगा कर कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। मैसेज के बाद धमकी भरे वॉइस नोट भी थे। 20-25 मिनट बाद मेरे पास दोस्तों और रिश्तेदारों के कॉल आने लगे। भाई और पिता के पास भी मेरी एडिटेड की हुई तस्वीर पहुंच गई। आरोपियों के पास मेरे फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, उन्होंने मेरा फोन हैक कर लिया था। पीड़िता ने बताया कि वो साइबर पुलिस के पास पहुंची, जहां रिपोर्ट लिखना तो दूर, पुलिस ने पूरी बात तक नहीं सुनी। FIR की जिद पर अड़ने के बाद पुलिस ने शिकायती आवेदन लिया। 3 दिन तक लगातार थाने के चक्कर काटने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई। मामले में साइबर SP जितेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसी कोई शिकायत की जानकारी उन्हें नहीं है। पीड़िता थाने आएगी तो उसकी पूरी बात सुनने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। 2 लाख रुपयों से अधिक की राशि के फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले हम फाइल करते हैं, इससे कम राशि का मामला होने पर संबंधित थाने को मामले की जांच के लिए देते हैं। लड़कियों और महिलाओं के मामले में शिकायत को सुनने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आपके फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को भेजे क्या वो, उसने आपको भी भेजे? नहीं, वो पहली बार में उसने मुझे नहीं भेजे, सिर्फ मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने लोग थे, सबके फैमिली फ्रेंड जितने भी लोग थे, उन सबके पास जा चुके थे। घर में आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहनों को भी भेजे? जी, सभी के पास जा चुके थे वो। मुझे कुछ पता नहीं है इस चीज में कि नंबर कहाँ से जा सकते हैं, पर मेरे द्वारा कोई लोन ऐप को डाउनलोड नहीं किया गया था। तो आपको लगता है कि मतलब क्या हैक हुआ आपका, मतलब मुझे या तो मेरा जीमेल हैक होने के चांस है, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर जो जीमेल में सेव थे वो ही सारे नंबरों को सब कुछ गया है डेटा। वो भी भेजे आपको? हाँ, उसके द्वारा बहुत ही अभद्र शब्द और गालियों का प्रयोग किया गया उन वॉइस में। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।